अब तक आपने देखा मिष्टी रानी से कहती है कि अगर मम्मा के आने से आपकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वो मम्मा को बुलाएगी। वहीं उसकी मुलाकात रानी से होती है। रानी को काव्या के मिस कैरेज के बारे में पता चलता है। डॉक्टर वानी से कहता है जितनी जल्दी हो सके पेशेंट के भाई बहन सगे भाई बहन को बुला लीजिए। आदि डॉक्टर से कहता है कि वो काव्या का सगा भाई है, लेकिन रानी कहती है कि उसका ब्लड काव्या के ब्लड से मैच नहीं होगा। तभी वानी रानी पर चिल्लाती है। तभी रानी बताती है कि सार्थक ही काव्या का सगा भाई है। अब आगे सार्थक की काव्या का सगा भाई आदि और सिड नहीं, काव्या मेरी बेटी है, मैंने काव्या को जन्म दिया, अपने नहीं। सार्थक तू जा बेटा सिस्टर के साथ, नहीं तो देर हो जाएगी। अच्छे ये क्या बोल रही है, काव्या मेरी मेरी नहीं है। हाँ भाभी वो आपकी बेटी नहीं है। ये राज हम लोगों ने आपसे और भाई साहब से सालों तक छुपाया। सार्थक और आदि के बाद आप दोनों जब दोबारा मां बन रही थी मुबारक हो आपको बेटी हुई है। थैंक यू डॉक्टर साहब। रानी कैसी है? ठीक है होगी। मैं मिल सकता हूँ? बस 5 मिनट और, नर्स बच्चे को नहला रही है। जी भाई साहब को बता दिया था। भाई साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब कैसी है भाभी? वो तो ठीक है बट आई एम सॉरी, उनका बच्चा वो जिंदा नहीं था, स्टिल बॉर्न बेबी हुआ था। सॉरी मैंने जब जाके रानी को ये खबर सुनाई तो उसकी सारी खुशियां माता में बदल गई। रोने लगी वो, बहुत नाराज हुई कान्हा जी से। जैसा कि वो हमेशा कहती थी कि वो जीजी पर कोई भी दुख नहीं आने देगी, वैसा किया उसने। आपका सारा दर्द उसने ले लिया, अपनी गोद सुनी करके आपकी गोद भरी भाभी। बिना किसी को बताए उसने अपनी काव्य आपको दे दी। वानी थैंक यू सो मच तुमने मुझे ये मेरी लिटिल प्रिंसेस देने के लिए। आज जाकर हमारी फैमिली कंप्लीट हुई है। आई एम सो हैप्पी वानी। मुझे तुम लोगों के लिए बहुत दुख हो रहा है। कोई बात नहीं भाभी, होनी को कौन डाल सकता है। और वैसे भी ये भी तो अपनी बच्ची है ना, इसी को देख के खुश हो लिया करेंगे। नहीं नहीं ये सिर्फ मेरी बेटी है, मेरी प्रिंसेस है, इसका प्यार मैं किसी से नहीं मार सकता। माफ कर दो जीजी, इतने सालों से मैंने ये बात आपसे छुपाई, पर क्या करती, सच बता के आपका दिल नहीं दुखाना चाह रही थी। लेकिन आज आज आपको बताना पड़ा,
मजबूरी थी। मुझे माफ कर दो जीजी। सेल्फलेस और आज भी हक जताने के बजाय दुख जता रही हो कि मेरा दिल दुखेगा। किस मिट्टी की बनी हो तुम दोनों ही। तुम लोगों ने हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया और इतने सालों से ठहरे भी एक शिकन तक नहीं आने दी। महान हो तुम लोग। हाँ रानी, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन जरूर हूं, लेकिन जो तुमने किया वो शायद मैं नहीं कर पाती तुम्हारे लिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम दोनों का ये एहसान, ये कर्ज कैसे उतारूंगी। एक काम करके जीजिए, चीचा जी से ये बात छुपा के उनको सच बताएंगे तो उनका दिल बहुत दुखेगा। उन्हें मत बताइए। माँ, काव्या और मेरा ब्लड ग्रुप मैच हो गया है। काव्या को ब्लड चढ़ रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, काव्या को होश आ गया है। आप अपना और काव्य का ध्यान रखना। जाओ रानी, मिल लो अपनी बेटी से। नहीं जीजी, हम दोनों ही अंदर जाएंगे। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब ये स्ट्रेस वाली बातें नहीं, जो हो गया सो हो गया। मामा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अभी तक तो नहीं हो, लेकिन अब तुम जरा सी भी रोई ना तो जरूर हो जाओगी। बस अब रोना बिल्कुल बंद। एंड प्रॉमिस मी काव्या कि तुम अपनी मम्मा से कुछ भी नहीं छुपाओगी, हर प्रॉब्लम अपनी मम्मा के साथ शेयर करोगी। प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस यू मम्मा, मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगी। और एक बात हमेशा याद रखना, हम तुम्हारे अपने हैं और अपने अपनों के फिसलने पे उनका हाथ नहीं छोड़ते, बल्कि और कस के पकड़ लेते। ताकि उन्हें लड़खड़ाने से और
चोट खाने से बचा सके। So remember, I'm always with you. We are always with you. माँ, बेटा, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ बोला। आप सही कह रही थी। वो मैं ही थी। पता है, अब जाने दे वो सब बातें। तू घबरा गई थी ना, मैं समझ गई थी। बस भगवान ने तुझे बचा लिया, यही बहुत है बेटा। माँ, भगवान ने मेरी जान तो बचा ली, पर मेरे बच्चे की जान नहीं बचाई। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई माँ। I have lost my baby. क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्यों? मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को क्यों दे दी? क्यों? काव्या, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है, क्योंकि कभी ये बात मुझ पे भी बीती थी। हाँ काव्या, सालों पहले मैंने भी अपने बच्चे को खोया था, लेकिन इससे पहले कि मुझे इस बात का पता चले, तुम्हारी माँ ने अपनी गोद सुनी करके मेरी गोद भर दी थी। तुमने मेरी गोद में डाल दिया था काव्या, तुम्हें जन्म देने वाली रानी है। यही तुम्हारी असली माँ है। कुछ मत बोल बेटा, ये जीजी तो बस ऐसी है। माँ तो माँ होती है ना, और पहली बार ऐसे थोड़ी हुआ। कान्हा जी की भी तो दो दो माए थी, तीना। अभी भी कुछ नहीं बदला। जीजी तेरी मम्मा ही रहेंगी और मैं तेरी माँ। सेम से है ना जीजी? एग्जैक्टली, कुछ नहीं बदलेगा। जैसे ही रानी ने मुझे ये राज बताया, मैंने तेरी चिंता करना छोड़ दी, क्योंकि मैं समझ गई अगर तुझ में रानी का खून है तो तू कमजोर हो ही नहीं सकती। मौत को हरा देगी पर हारेगी नहीं। और देख, वही हुआ। माँ, आप जैसे कोई नहीं बन सकता, और मैं तो आपकी तरह कभी नहीं बन सकती। मुझे तो तुम्हारी तरह बनना ही नहीं है, मुझे तो मम्मा की तरह बनना है। तो मतलब रानी, तुम्हारी कोई भी बेटी तुम पे नहीं जाएगी, तो तुम मुझे भी अपनी टीम से आउट ही समझ लो। हाँ ठीक है। भाई, आउट तो आप लोगों ने हमें कर दिया है, हमें भी कोई पूछ लो। पूछ लो मतलब? मैं हूँ भाई पापा तुम लोगों का। Come on! Huh?
सब लोग जल्दी जल्दी करो, काव्या दीदी अभी आती होगी। अंजलि दीदी आप भी जल्दी जल्दी करो, कितना स्लो कर रही हो। कर रही हूँ ना माता, वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम हॉस्टल चली जाओगी और उसके बाद मुझे ही अकेले ये सब करना है। अच्छा मुझे ये बताइए, ठीक लगा इतना ऊपर? ठीक है हाँ, हाँ? सही लगा। परफेक्ट हाँ। ओके भाभी आप रंगोली बना रहे हो ना? हाँ तो जल्दी जल्दी बनाओ। इन सबको तोड़ने की कितनी चालें चली मैंने, पर हर बार मेरी किए कराए पर पानी फिर जाता है। तंग आ गई हूँ मैं, और ऊपर से ये रंगोली बनाओ, महारानी का स्वागत करो। हद है। ओहो इतना काम पड़ा है, काव्या आती होगी। और केसर पता नहीं कहाँ रख दिया, काव्या को तो केसर के बिना खीर पसंद ही नहीं आती है। स्वागत सब उसका, बहुत नाम रोशन करके आई है ना। आरती तो ऐसे उतार रही है जैसे कोई जंग जीत के आई, शर्म भी नहीं आती इसको। सब तेरा कब से इंतजार कर रहे। काव्या दीदी ये आपके लिए मेरे तरफ से। चल आ आराम से, ये देख मेरी पसंदीदा खीर बनाई, केसर भी डाला है उसमें। थैंक यू मैम। काव्या बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू भाभी, अगर आप नहीं होते तो सिर्फ मैं नहीं हम सब तुम्हारे साथ हैं। और वैसे भी अपनों का तो फर्ज बनता है एक दूसरे का साथ देना, और वैसे भी अपने तो होते ही एक दूसरे का साथ देने के लिए हैं। भाई मैंने तो सोच लिया है कम से कम एक हफ्ते तक मैं अपनी बच्ची को अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगी। हाँ डाइट वाइट सब बंद, बहुत कमजोर हो गई है। देख मैं तेरे लिए ना पनीर के पराठे, कल प्याज की कचौरी और गाजर का हलवा, और परसों फिर बादाम की खीर। रानी ज्यादा गलत फहमी मत पाल, आज यहाँ आई है इसका ये मतलब नहीं है कि ये घर फिर से तेरा हो गया। और ये काव्या जो कांड करके बैठी है, शर्म से तो मर जाना चाहिए इसको। माँ जी आप क्या कह रही हैं? क्या गलत कह दिया, पैदा तो तूने किया है ना। ये इस घर की नाक कटवा रही है और तू आरती उतार रही है, खीर खिला रही है, ये तो है ही बेशरम। तू तो थोड़ा शर्म कर। दादी बस कीजिए, आपको जो भी भला बुरा बोलना है तो मुझे कहिए, माँ को नहीं। गलती मैंने की है तो सजा मुझे दीजिए, माँ ने मुझे जन्म दिया, मुझे गर्व है कि मैं इनकी बेटी हूँ। बड़ी आई गर्व करने वाली। काहे बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, देख ये लोग यहाँ क्या गुल खिला रहे हैं।
जिसने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी उसकी आव भगत हो रही है। ये तो भगवान का शुक्र है कि ये तेरी औलाद नहीं है। डैड, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी।